नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट एंगल पे। मैं हूँ आपका दोस्त शुभम मिश्रा। तो जैसे कि आप सबको पता है कि आईपीएल 2022 की शुरुआत होगी 26 मार्च से, जबकि इसका फाइनल मुकाबला 29 मई को खेला जाएगा, जहां पर आईपीएल 2022 का जो पहला मुकाबला है वो डिफेंडिंग चैंपियंस चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में खेला जाएगा मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में। हालांकि दोस्तों, अभी आईपीएल 2022 का फुल शेड्यूल और टाइम टेबल बीसीसीआई ने जारी नहीं किया है और बहुत ही जल्द आपको आईपीएल 2022 का कंप्लीट शेड्यूल जारी होते हुए नजर आएगा। लेकिन तो आईपीएल 2022 के शेड्यूल और बाकी डिटेल्स को लेकर कल बीसीसीआई की मीटिंग थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स के साथ, और वहां पर आईपीएल 2022 के प्लेऑफ्स के शेड्यूल को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हुई है और हमारे सामने प्लेऑफ्स की डेट्स निकलकर आ चुकी हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको आईपीएल 2022 के प्लेऑफ्स का कंप्लीट शेड्यूल बताने वाला हूं। तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाली है सभी आईपीएल 2022 के फैंस के लिए, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें, ताकि आपको क्रिकेट और आईपीएल से रिलेटेड ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और अपडेट्स लगातार मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं आप सबको बता देता हूं कि आईपीएल 2022 के लीग स्टेज के मुकाबलों की शुरुआत कब से होगी और आखिरी लीग स्टेज का मुकाबला कब खेला जाएगा। तो आईपीएल 2022 के लीग स्टेज की शुरुआत होगी 26 मार्च से, जबकि आखिरी लीग स्टेज का जो मुकाबला है वो 22 मई को खेला जाएगा। तो 26 मार्च से 22 मई के बीच में सभी 70 लीग मुकाबले आईपीएल 2022 में खेले जाएंगे, जहां पर हर एक टीम 14-14 मुकाबले खेलने वाली है। इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं आईपीएल 2022 के प्लेऑफ्स शेड्यूल की। तो बीसीसीआई ने जो वेडनेसडे को मीटिंग हुई है वहां पर आईपीएल 2022 के प्लेऑफ की डेट डिसाइड कर ली है, और यहां पर पहला क्वालिफायर मुकाबला आपको 24 मई को होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा एलिमिनेटर मुकाबला 25 मई को खेला जाएगा, वहीं पर दूसरा क्वालिफायर मुकाबला 27 मई को होगा। इसके अलावा आईपीएल 2022 का फाइनल मुकाबला 29 मई को खेला जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आईपीएल 2022 के जो प्लेऑफ मुकाबले हैं वो 24 मई से 29 के बीच में होते हुए आपको नजर आएंगे। इसके अलावा दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि जब से जेसन रॉय ने आईपीएल 2022 से अपना नेम पुल आउट किया है बायो बबल फटीक की वजह से, तब से ये बात बहुत ज्यादा चर्चाओं में है कि सुरेश रैना की आईपीएल 2022 में वापसी हो सकती है और गुजरात टाइटंस की टीम सुरेश रैना को अपनी टीम में शामिल कर सकती है एज अ रिप्लेसमेंट जेसन रॉय का। लेकिन दोस्तों आज गुजरात टाइटंस टीम के ऑफिशियल्स से बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट निकल कर आया है, जहां पर उनके टीम ऑफिशियल ने यह बताया है कि हम सुरेश रैना को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं एज अ रिप्लेसमेंट जेसन रॉय की, और हम यहां पर सुरेश रैना को अपनी टीम में शामिल नहीं करेंगे। तो दोस्तों ऐसे में जो सारी चर्चा चल रही थी और जो सारा डिबेट था वो अब यहां पर खत्म हो जाता है, क्योंकि अब ऑफिशियल तौर पर कंफर्म हो चुका है कि सुरेश रैना यहां पर गुजरात टाइटंस की टीम में शामिल नहीं होंगे। फ्रेंड्स, ये रही आईपीएल 2022 के प्लेऑफ्स शेड्यूल को लेकर बड़ी अपडेट। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वहीं पर दोस्तों आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि कौन सी वो चार टीमें होंगी जो कि आईपीएल 2022 के प्लेऑफ्स में जगह बनाएंगी, और आईपीएल 2022 का खिताब इन चार टीमों में से कौन सी टीम जीत पाएगी। वहीं पर क्रिकेट मैचेस की फैंटेसी प्लेइंग 11, इसके अलावा क्रिकेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी न्यूज से सबसे पहले अपडेटेड रहने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर जरूर ज्वाइन कर लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड गुड बाय।